आज का जो प्रोटेस्ट है ये डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए प्रोटेस्ट था, जो 142 MPs को सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी का कत्ल है, इससे बड़ा कत्ल क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का। आए दिन लोगों को सताया जा रहा है जो भी अपनी बात करना चाहते, ऐसे कानून लगाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब कोई कैजुअल लेबर है उनको अब अपनी बात रखने का हक नहीं है। ऐसे कानून पास किए हैं कि जो जिसकी कोई ग्रीवेंस है वो अपनी ग्रीवेंस नहीं बता सकता है। अगर वो ग्रीवेंस बताएगा उसको UAP लगाया जाएगा, उसको नौकरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये देखिए डेमोक्रेसी का ये कत्ल नहीं है तो क्या है। डॉक्टर्स को रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स को उनको टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं, मतलब उनकी मांगे हैं, हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को फुलफिल करे, मगर इन्होंने ऐसे कानून बनाए अब लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं, उनको सीधे अंदर ठोका जाएगा या तो उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया, जो हमारे या किसी पार्टी के MPs उन्होंने वहाँ पे डिसक्वालीफाई किया, आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया, हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनको बहाल करना चाहिए। तो इस हवाले से हमारा आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था, तो डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, MPs को बहाल होना चाहिए, यही हमारी डिमांड थी, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट था। तो ये बताइए, डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है इस टाइम, तो हम यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए यहाँ पे, MPs को बहाल करना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ आज प्रोटेस्ट रखा था कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आइंदा दिनों के लिए डेमोक्रेसी को बहाल नहीं किया गया, डिस्क्वालीफाइड जो पार्लियामेंट्रियन है उनको बहाल नहीं किया जाएगा, तो कांग्रेस का क्या लायामल रहेगा? कंटिन्यू रहेगा हमारा, कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहेगा, हमारी आवाज़ यही रहेगी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बहाल होनी चाहिए, इंडिया में बहाल होनी चाहिए, हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू इस पर ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा।